वेलकम टू दी 61st वीक ऑफ नडी न्यूज। सबसे पहले तो मैं यार अपने से रिलेटेड ही अपडेट दे देता हूँ। तो यार मैं अभी रिलोकेट कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा कम आएंगी। जब विद इन 1 to 2 weeks मैं पूरी तरह से सेटल हो जाऊंगा, तब प्रॉपरली रेगुलर वीडियो आने लगेंगी। तो यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना और अपना तगड़ा सपोर्ट बनाए रखना। सो अब आते हैं इस वीक के अपडेट्स की तरफ। इस वीक सुपर हीरो वर्ल्ड थोड़ा ठंडा रहा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जरूर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंड गेम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 2650 बिलियन डॉलर से ऊपर का कलेक्शन कर लिया है एंड अवतार से सिर्फ ये 138 मिलियन डॉलर पीछे है और जल्द ही ये वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाएगी। इंडिया में भी इस मूवी ने अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है और 2 मेजर रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं। इंडिया में ये सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हॉलीवुड मूवी बन चुकी है, साथ ही ये मूवी इंडिया की बिगेस्ट ओपनिंग करने वाली मूवी है। नेक्स्ट अपडेट है जेसिका जोन से। तो इस सीरीज का लास्ट सीजन यानी कि सीजन 3 इस साल जून में नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया जाएगा। नेटफ्लिक्स और मार्वल के पार्टनरशिप में ये लास्ट सीरीज होने वाली है और इसके बाद से हमें मार्वल के सारे रिलेटेड शोज डिज्नी के स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी प्लस पे मिलेंगे। अब आते हैं सुसाइड स्क्वाड 2 पे। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये मूवी रिबूट होगी या फिर लास्ट पार्ट का सीक्वल रहेगा। इसी पे जब डायरेक्टर जेम्स गन से पूछा गया तो उन्होंने भी इसका बहुत ही वेग आंसर दिया। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि वो अभी रिवील नहीं करने वाले ये सीक्वल है या रिबूट। पर्सनली मुझे लगता है कि जेम्स गन एक बहुत ही क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। इस बार वो कुछ अलग ही करने वाले हैं फॉर श्योर। नेक्स्ट है कैप्टन मार्वल के डिलीटेड सीन्स। तो अभी रिवील किया गया है कि मूवी से 6 सीन्स को डिलीट किए गए थे और इनमें से कुछ सीन्स रिलीज भी कर दिए गए हैं एंड ऐसी और कई सीन्स मूवी के ब्लूरे के साथ रिलीज किए जाएंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये सीन्स जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट कुछ नए पोस्टर्स हैं फार फ्रॉम होम से। सबसे पहले सारे कैरेक्टर पोस्टर्स जैसे कि पीटर, मिस्टीरियो, निक फ्यूरी एंड MJ एंड फाइनली ये मूवी पोस्टर जो कि ऑफिशियली यूज किया जाएगा प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट अपडेट है स्पॉन के आने वाले सोलो मूवी से। तो डायरेक्टर टॉड मैकफ्लेरन जो कि इस मूवी को लिख रहे हैं और साथ ही डायरेक्ट भी करने वाले हैं, उन्होंने रिवील किया कि मूवी के स्क्रिप्ट को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है और ऊपर से सब स्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस चाहते हैं। इसी बात पे उन्होंने बातों बातों में ये भी कह दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही ये मूवी छोड़ देंगे। नेक्स्ट एक अपडेट है MCU में आने वाली मूवी शैंगची से। तो ग्रे एनाटॉमी के एक्टर एलेक्स ने शैंगची में लीड रोल करने में इंटरेस्ट दिखाया है। उन्होंने बोला कि MCU की फर्स्ट मूवी होगी जिसमें एक एशियन सुपर हीरो दिखाया जाएगा और वो किसी भी कीमत पे इस मूवी का पार्ट होना चाहते हैं। भले ही उन्हें लीड रोल ना मिल पाए, फिर भी वो किसी भी तरह का रोल करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट 2 नए कॉन्सेप्ट आर्ट हैं जो कि कैप्टन मार्वल के मूवी से रिलीज किए गए। इन कॉन्सेप्ट आर्ट में हम मूवी में दिखी सुप्रीम इंटेलिजेंस का बिल्कुल ही अलग रूप देख सकते हैं, हालांकि इस लुक को मूवी में नहीं यूज किया गया। इसी के बाद रूसो ब्रदर्स ने एंड गेम के बिहाइंड द सीन का ये फोटो शेयर किया जहां हम ओरिजिनल अवेंजर्स को देख सकते हैं। ये फोटो एंड गेम के लिए 2012 के अवेंजर्स के रिक्रिएटेड सेट पे ली गई है। नेक्स्ट र्यूमर है डेडपुल के MCU में एंट्री को लेकर। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज डेडपुल की एंट्री स्पाइडरमैन 3 में करवाने का प्लान कर रहे हैं एंड इसी के साथ इस कैरेक्टर को एक डिज्नी प्लस शो भी मिल सकता है। मेरे अकॉर्डिंग डेडपुल की ये परफेक्ट एंट्री होगी MCU में, क्योंकि कॉमिक्स में भी ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। आप सबको क्या लगता है, अपने थॉट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट कैप्टन मार्वल का एक फनी बिहाइंड द सीन वीडियो रिलीज किया गया है जो कि बहुत फनी है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, प्लीज रिलीज मी, लेट मी गो। पूरे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्ट्रेस एलिजाबेथ डेबिकी अपने आयशा के रोल में रिटर्न करने वाली हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में। वॉल्यूम 2 में इस कैरेक्टर का छोटा रोल था बट एंडिंग में हमें ये रिवील किया गया कि आयशा ही एडम वॉरलॉक को क्रिएट कर रही है। तो ये तो कंफर्म है कि आयशा के साथ मोस्ट प्रोबेबली हमें एडम वॉरलॉक भी इस मूवी में दिख जाए। नेक्स्ट एक फैक्ट है जो कि एंड गेम के एडिटर ने रिवील किया। उन्होंने कहा कि एंड गेम के लिए उनके पास टोटल 900 आवर्स के फुटेज आए थे जिसके बाद उनकी पूरी टीम ने पूरा टाइम देके उसे एडिट करके 6 आवर्स में किया और इस प्रोसेस के बाद रूसो ब्रदर्स के अंदर इस मूवी को 3 आवर्स में किया गया। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट था और साथ ही 900 आवर्स के फुटेज को 3 आवर्स में करना कितना हार्ड काम है भाई। लेकिन मुझे तो बस यही लग रहा है कि काश मुझे वो 900 आवर्स वाले फुटेज भी मिल जाए ताकि हम सब उसे देखकर एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट इस वीक फिर से कुछ विजुअल इफेक्ट्स के बिफोर एंड आफ्टर के शॉट्स रिलीज किए गए जैसे कि कैप्टन वर्सेस थानोस और हल्क का गॉन्टलेट पहनने वाला सीन। पिछले वीक भी ऐसे ही कुछ शॉट्स रिलीज किए गए थे, आप लास्ट वीक के नडी न्यूज में देख सकते हो। नेक्स्ट एक मेजर अपडेट है। तो अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एक्ट्रेस एमिलिया क्लार्क
जिन्हें हम गेम ऑफ थ्रोन से पहचानते हैं वो आयरन मैन 3 में दिखने वाली थी। आयरन मैन 3 के राइटर्स ने रिवील किया है कि इस मूवी में एमिलिया क्लार्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, बट उनके कैरेक्टर को स्क्रिप्ट से ही हटा दिया गया। तो आप सबको क्या लगता है, ये सही डिसीजन था या नहीं? क्या आप एमसीयू में अभी भी एमिलिया क्लार्क को देखना चाहते हो? हमें कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट है ब्लैक विडो से। तो पता चला है कि इस मूवी की शूटिंग बुडापेस्ट और हंगरी से स्टार्ट होगी। मुझे लगता है कि बुडापेस्ट सुनकर आपके दिमाग में कुछ घंटी जरूर बजी होगी, क्योंकि हॉकआई और ब्लैक विडो ने एमसीयू में कई बार बुडापेस्ट का जिक्र किया है, बट अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिर बुडापेस्ट में हुआ क्या था। एंड गेम में भी बुडापेस्ट का जिक्र हुआ था। सो अब इस अपडेट के साथ ये कंफर्म हो गया है कि बुडापेस्ट में आखिर हुआ क्या, ये हमें ब्लैक विडो की सोलो मूवी में पता चल जाएगा। नेक्स्ट है एंड गेम में क्रैगलिन का नया लुक। एंड गेम में इतने सारे सुपरहीरोज थे कि हमें कई दिखे ही नहीं, और इन्हीं में से एक था क्रैगलिन। तो अभी एक बिहाइंड द सीन के फोटो से क्रैगलिन का नया लुक देखने को हमें मिला है। उसकी फिन भी बिल्कुल नहीं है और वो एक बाइक जैसे व्हीकल पे है। योंडू के बाद एमसीयू में क्रैगलिन ही उसकी जगह लेगा। एंड सबसे फाइनल अपडेट है एमसीयू में दो फेमस कैरेक्टर के रिटर्न को लेकर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फाल्कन एंड विंटर सोल्जर की सीरीज में हमें शैरन कार्टर और वन ऑफ द बेस्ट विलन जो हमें सिविल वॉर में दिखा था हेलमेट ज़िमो हमें रिटर्न करते दिखेंगे। तो ये थे इस वीक के अपडेट। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। ऐसी डेली अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जोकर का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।